सालों में चेन्नई को खसूसी अहमियत हासिल है। जदीद ज़रई तजुर्बात और मुशाहदात से इस फसल के फवायद मुसलमा हैं। चेन्नई की काश्त से ज़मीन की जरखेजी में इजाफा होता है। चेन्नई की बर्दाश्त के बाद काश्त की जाने वाली फसलात की पैदावार बढ़ जाती है। फसलों के हेर फेर में चेन्नई की शमूलियत से जड़ी बूटियों, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। चेन्नई की एक खसूसियत ये भी है कि कम जरखेज ज़मीनों और कदरे कम बारिशों वाले इलाकों में दूसरी फसल की निस्बत मुनाफा बख्श पैदावार फराहम करता है। इसके अलावा हमारे मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गजाइत बिलखसूस लहमियात की कमी से दोचार है। इन हालात में जबकि जानवरों से हासिल शुदा लहमियात काफ़ी महंगी हैं, चने और दीगर दालों के इस्तेमाल से गजाइत में इजाफा किया जा सकता है। चने का शुमार इन फसलों में होता है जो ज़माने कदीम से बरे सगीर पाक हिंद के निज़ाम ज़राअत का अहम जुज़ रही हैं। दुनिया में रकबे के लिहाज से चना तीसरे नंबर पर आता है, मगर बरसगीर पाक हिंद में दालों में सबसे ज्यादा चने की फसल काश्त होती है। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा खुराक वज़रात FAO की रिपोर्ट के मुताबिक जेरे काश्त रकबे का 10% पाकिस्तान में पाया जाता है। यूं दुनिया में चने की काश्त के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन फी एकड़ पैदावार के लिहाज से पंजाब में चने की पैदावार के अहम इलाके थल और पोठोहार हैं। थल के इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बलाई थल जो दरिया सिंध के दाएं जानिब सूबा सरहद में वाके है, और जेरी थल जिसे सिंध सागर दुआब भी कहा जाता है, इस सहराई इलाके पर मुश्तमिल है जो दरिया सिंध और जेहलम के दरमियान वाके है और इंतजामी लिहाज से सूबा पंजाब का हिस्सा है। पोठोहार के इलाके में चने की काश्त माजी में वसी रकबा पर की जाती रही है, मगर लिश्क की बीमारी के शदीद हमले के बायस पोठोहार में चने की जेर काश्त रकबे में खातिर खा कमी हुई है। पोठोहार में चने के लिए अहम इजला अटक, चकवाल, रावलपिंडी और जेहलम हैं। जमीन का इंतखाब और तैयारी। चने की काश्त के लिए मौजूद जमीन का इंतखाब जरूरी है। कलराठी और शोरजदा जमीनें चने की काश्त के लिए मौजूद नहीं हैं। जमीन की तैयारी के लिए कम से कम दो दफा हल चलाना जरूरी है। पहले गहरा हल चलाकर खुद रौ घास और जड़ी बूटियों को तलफ करना चाहिए। उसके बाद एक दफा हल और सुहागा चलाकर जमीन को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बारानी इलाकों में जहां बुआई का इन्हसार बारिश से महफूज करदा नमी पर होता है, वहां बारिश के मौसम में गहरा हल चलाकर सुहागा फेरना जरूरी है ताकि नमी को महफूज किया जा सके। चने के मुख्तलिफ इलाकों के पैदावारी हालात, जमीन की अकसाम, बारिशें वगैरह क्योंकि एक जैसी नहीं होती, इसलिए माहरीन के ख्याल के मुताबिक हर इलाके के लिए मुख्तलिफ मौसम अकसाम अपने मखसूस इलाके ही में बेहतर पैदावारी नतायज दे सकती हैं। इसलिए हर इलाके में इसकी आबो हवा के लिहाज से सफारिश करदा अकसाम ही काश्त करनी चाहिए। तरीका काश्त। चने की फसल को मुनासिब वतर वाली जमीन में नाली या ट्रैक्टर ड्रिल से कतारों में काश्त करें। कतारों का दरमियानी फासला 1 फिट रखना चाहिए। बुआई छट्टे से हरगिज ना करें। बारानी इलाकों में काश्त के मौका पर अगर जमीन में वतर कम हो तो बुवाई निस्बतन गहरी करें ताकि पौधों का उगाव अच्छा हो। शरह बीज। चने की मुनाफा बख्श पैदावार के लिए जरूरी है कि जमीन में पौधों की मुनासिब तादाद मौजूद हो, जिसे हासिल करने के लिए बीज की मकदार का तयन बहुत जरूरी है। चने की नई अकसाम का बीज थल में मरवेजा अकसाम से निस्बतन मोटा है, इसलिए नई अकसाम का बीज 30 किलोग्राम फी एकड़ से कम हरगिज इस्तेमाल न करें। बीज के लिए जरूरी है कि वो तरक्की दादा अकसाम से ताल्लुक रखता हो, साफ सुथरा हो, कीड़े मकोड़ों के हमलों से महफूज हो और ऐसी फसल से हासिल किया गया हो जो सेहतमंद हो। बालाई थल के इलाके खसूसन जिला करक और लक्की मरवत वगैरह जहां चने की बीमारी झुलसाव का हमला होता है, बीज को दवाई लगाकर काश्त किया जाए। खादों का इस्तेमाल। चने की फसल को नाइट्रोजन की निस्बत कम जरूरत होती है।
क्योंकि फलीदार फसल होने के नाते ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन से फायदा उठाती है। ताहम शुरू में नौजायदा पौधों के लिए नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल पैदावार में इजाफे के साथ साथ फसल के बरवक्त पकने में मददगार होता है, लिहाजा फसल की नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरियात पूरा करने के लिए एक बोरी DAP फी एकड़ बुवाई के वक्त इस्तेमाल करें। जड़ी बूटियों की तलफी। चने की फसल बढ़ोतरी के इब्तदाई मराहल सुस्त रफ्तारी से तय करती है, जबकि जड़ी बूटियां तेजी से बढ़ती हैं और अमूमन फसल को ढांप लेती हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। बाज़ औक़ात फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, लिहाजा मुनाफा बख्श पैदावार के लिए इब्तदाई मराहल में जड़ी बूटियों की तलफी पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। इन तरीकों से जड़ी बूटियों को तलफ करके फसल को बचाया जा सकता है। नंबर एक, बुआई से पहले गहरा हल चलाकर या 2-3 मरतबा आम हल चलाकर। दूसरा तरीका, फसल उगने के तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद कसोला, खुरपा या दरांती से सफाई या गोडी करके। आब पाशी। चने की काश्त ज्यादातर बारानी इलाकों में की जाती है और अमूमन मौसम में बरसात के दौरान होने वाली बारिशों से फसल की पानी की जरूरियात पूरी हो जाती हैं। बारिश कम होने की सूरत में जहां आपपाशी का इंतजाम हो, फूल आने पर फसल को एक पानी दिया जाए। इससे दाना सेहतमंद और मोटा बनता है, जिससे पैदावार में खातिरखा इजाफा होता है। बीमारियां और इंसदाद। झुलसाओ। बिलाशुबा झुलसाओ चने की सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिससे मुतअद्दिद बार थल में चने की फसल तबाह हो चुकी है। इससे पत्तों और फलियों और शाखों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में स्याह दायरों में तब्दील हो जाते हैं। इंसदाद। चने की तमाम तर नई सिफारिश करदा अकसाम इस बीमारी के खिलाफ खातिरखा इजाफी कुव्वत मदाफ़त रखती हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा काफी कम हुआ है। इसके अलावा बीज को फफूंदीकुश दवा बेनलिट बाहिसाब 2 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें। अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी कहीं नमूदार हो तो फौरी तौर पर शोबा दालें कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज इस्लामाबाद को इतला दें, ताकि इसे रोकने के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जा सकें। कीड़े मकोड़ों का इंसदाद। चने की सुंडी पॉड बोरर, ये सुंडी चने की फसल का काफी नुकसान करती है और खसूसन सफेद चने को तबाह कर देती है। इसका हमला अक्सर मार्च के महीने में होता है और ये फलियों के अंदर घुसकर दानों का सफाया कर देती है। मार्च अप्रैल में बारिशों के बाद फसल सब्ज रहने से और बर्दाश्त में ताखीर से इसका हमला ज्यादा होता है, जिसके लिए फसल पर कीड़े मार दवाओं मसलन कराटे 25 EC बाहिसाब 250 मिलीलीटर फी एकड़ 80 से 90 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। बर्दाश्त और जखीरा करना। कटाई के दौरान और इसके बाद खलियान पर फसल इकट्ठी करते वक्त खसूसी एहतियात बरतें, वरना तैयार फसल का नुकसान हो सकता है। जखीरा करने के लिए बीज को साफ सुथरी बोरियों में रखें और भरने से पहले बोरियों को अच्छी तरह धूप लगवाने से कीड़े खत्म हो सकते हैं। अगर दानों को ज्यादा अरसा रखना हो तो फास्ट ऑक्सन गोलियां बाहिसाब 25 गोलियां फी हजार मका फिट गोदाम इस्तेमाल करें, लेकिन इस दौरान गोदाम से हवा का गुजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गोदाम को खोलने के बाद पूरा दिन इसमें दाखिल ना हो और बच्चों को भी गोदाम के करीब ना आने दें। इसके अलावा किसी भी किस्म के जरई मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800-844-2000 पर पीर ताजुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।